चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील सोच रही हूँ बाल कटवा लूँ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ दुबई चलते हैं। बाल कटवाने के लिए? क्यों, मेरे बाल बड़े हुए हैं क्या? ओह गॉड नबील। चलो बाल भी कटवा लूंगा। तुम दुबई से बाल कटवाओगे? नहीं नाई से। नबील खूबसूरत, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम वेकेशन पर दुबई चलते हैं। कौन सी वेकेशन? समर वेकेशंस। तुम कौन सा नौकरी करते हो जो तुम्हें समर वेकेशंस मिलेंगी? क्यों, क्या सिर्फ नौकरी करने वाला दुबई जा सकता है? बेरोजगार आदमी नहीं दुबई जा सकता। मेरा दोस्त राणा रिजवान भी तो दुबई जा रहा है ना। जाओगे कैसे? प्लेन पर। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की फिक्र मत करो, अंकल भेज देंगे। क्या प्लेन? पैसे। तुम्हें शर्म नहीं आती नबील? जानू प्लेन में बैठने में क्या शर्म? क्या हुआ? पता नहीं इसे क्या हुआ है। मैं वो बोल रही हूँ, इनकी वो एक मिनट जी होल्ड करें। सुने जी, मेरा नाम क्या है मसरूर? महमूद जी, मैं महमूद बोल रही हूँ। कौन है? हैं? ये तो कह रही है मैं मुमताज बोल रही हूँ। अरे लेकिन मुमताज तो तुम्हारा नाम है। वो यही तो बोल रही है। अरे वो कौन? आपकी वो। अरे लेकिन मेरी वो तो तुम हो। हाँ, आप मेरे शौहर नहीं है क्या? अरे फोन दो इधर, दो ना। हेलो हाजरा। हाँ हाँ हाजरा, हाजरा का फोन है आपकी बहन का। शुक्रिया शुक्रिया। मेंशन तो ना करें ना। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं? अरे नहीं वो। वो कौन? तुम तो जाओ यहाँ से। हाँ क्या हुआ है? तुम ऐसा करो मेरी बात करवाओ नैयर भाई से। अरे बच्चों जैसी बातें मत करो हाजरा। हाजरा हाजरा, हेलो हेलो हेलो। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? हाजरा का शौहर से झगड़ा हो गया है। किसके शौहर से? अरे भाई अपने शौहर से। वो कह रही है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो वो किस आदमी के साथ रह रही है? अपने शौहर के साथ। हैं? अपने शौहर के साथ झगड़ा हो गया, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? बड़ी बेवकूफ है हाजरा। बड़े वो लग रहे हैं। वो क्या? वो जो मैं कभी नहीं लगी। क्यूट? नहीं, वो जो टेंशन में लगते हैं। कौन टेंशन में लगता है? आप और कौन? देखो मोमो प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ हाँ, परेशान। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। किसी की बहन रो रो के फोन करेगी तो आदमी परेशान नहीं होगा क्या? किसकी बहन ने आपको फोन किया था रो रो के? शकील। महमूद। महमूद की बहन ने किया? मेरा नाम महमूद है, मेरी बहन रो रही थी फोन पे। क्यों? वो अपने मियां के साथ नहीं रहना चाहती। वो कौन? मेरी बहन। फिर किसके साथ रहना चाहती है? मुझे तो लग रहा है कि वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। वो कौन? अच्छा अच्छा, आपकी बहन। अच्छा वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं एक लड़की हूँ। तुम कौन हो? मैं नैयर हूँ। लेकिन बकरीद में तो अभी बड़े दिन पड़े हैं, तुम अभी से आ गए हो। और मैंने कब कहा था कि मैं बकरीद पे आऊंगा? ओ भाई, हमारे घर में कोई बकरा नहीं है। अब मैं बकरे से मिलने नहीं आया। काटने आए हो? किसे? बकरे को? और नहीं भाई, मैं महमूद से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें महमूद को काटने नहीं दूंगी। वो मुझे काटना चाहते है? उनके पास इतनी बड़ी आरी नहीं है। कौन है? मुमताज। तुम्हारा नाम मुमताज है? नहीं नहीं जी, मुमताज नहीं है, कोई कसाई है। अरे नैयर भाई, आप कैसे हैं? ओए साले,
सारी बातें दरवाजे में करोगे? नहीं नहीं, आप अंदर आए ना। आप इस कसाई को जानते हैं क्या? अरे ये कसाई नहीं है, मेरे बहनोई है, हाजरा के मियां। हाय अल्लाह, आपने हाजरा की शादी कसाई से कर दी है। ओए मुदे, ये मुर्गी कौन है? मैं इनकी वो हूँ। वो क्या? वही जो आपकी हाजरा है। बहन? हाँ। नहीं नहीं, हाँ नहीं। अरे ये मेरी बीवी है। हाँ आप अंदर आइए। तुम तो चलो अभी, इधर इधर सीधा। ये कौन है मेलों में ढोल बजाने वाला? मैं तेरी माँ हूँ जलील। ओहो माँ जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हाजरा के भाई हैं। हाजरा का भाई तो मैं हूँ। हाँ ये इनके भाई हैं। ये मेरे बहनों ही हैं, नैयर भाई। अच्छा आपकी बहन नहीं आई? उसका नाम ले लो मेरे सामने। होए मैंने कब नाम लिया? अरे नैयर भाई, अरे बताइए तो हुआ क्या है? कैसे भाई हैं आप? आपकी बहन क्या कुछ हुआ और आपको पता ही नहीं? कलीम बताएं क्या हुआ, लड़का या लड़की? चींटे आ रही हैं। इनके घर झगड़ा हुआ है। हो तो इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है भाई? लड़का हो या लड़की, औलाद तो आपकी है। नहीं आपकी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो मुझे कह रही है कि घर में एसी लगा लो। किसके घर में? खुदा का वास्ता है, तुम यहाँ से जाओ और नैयर भाई के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। अच्छा तो मैं फिर ठंडा पानी लाती हूँ। अच्छा अच्छा। नबील जी, महमूद साहब तुम भी जाओ किचन में। अरे नहीं भाई, अपने कमरे में। अच्छा ठीक है महमूद साहब, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। खिडौने का बाल कच्ची चुकता मारन दिया। नैयर भाई मेरी बेगम है, इज्जत करें उसकी। और क्या था नैयर भाई, आप भी इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, लगवा देते एसी उसको। क्यों लगवाऊं एसी, खाम खा की फजूल खर्ची, और वैसे भी बुढ़ापे में एसी में हड्डियों का दर्द हो जाता है, आदमी किसी काम का नहीं रहता। तो आप कौन सा काम करते हैं नैयर भाई? तो क्या बुढ़ापे में नहीं करूंगा, इतना नकम्मा समझा हुआ तूने मुझे। नैयर भाई ओए मुझे ये एसी वेसी के आशियों से सख्त नफरत है। खर्चे की बात है ना। जानू नाराज हो? मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनो तो से मुझे चोर अंदर आ गया। लेकिन अंदर तो तुम आई हो जानू। नहीं नबील, मुझे चोर बाहर था, वो अंदर लाउंज में बैठा हुआ सोफे पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वो चोर नहीं है, उसका मुंह चोरों जैसा है, वो महमूद साहब का बहनोई है यार। क्या? हाँ लेकिन वो हमारे घर में क्यों है? वो महमूद साहब की बहन से लड़कर यहाँ आ गया। नबील ये हमारा घर है, कोई मैरिज काउंसलिंग का ऑफिस नहीं है। कैसी बातें कर रही हो यार? अगर वो शाम तक नहीं गया ना तो मैं चली जाऊंगी घर से। ठीक है मैं अभी बोलकर आता हूँ उसे। जाने के लिए? नहीं रुकने के लिए। नबील मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं है भाई, कि मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं समझाऊं? मैंने बहुत बीन बजा ली, अब तुम भी बजा लो। अच्छा देखें पायन, तो उधर है। अच्छा जी देखें पायन, ये ठीक कह रहे हैं आप, सलमा के पास ना वापस चले जाएं। कौन सलमा? आपकी बीवी। मेरी बीवी का नाम हाजरा नैयर है। तो फिर ये सलमा कौन है? सलमान महमूद नाम है सलमा का। मेरा। अरे आप इसको छोड़े नैयर भाई। ओए मेरी होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। आप मेरी खातिर घर वापस चले जाए। तो इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है आप कुछ देर आराम कर लें, बाद में चले जाइएगा। मुमताज इन्हें कमरा दिखाओ। क्यों इनको नजर नहीं आता, खुद नहीं देख सकते? अच्छा ठीक है मैं खुद दिखा लेता हूँ, चले नैयर भाई चले। ओए मुते अपनी बहन से कह देना कि मैं उसको एसी नहीं लगवा के दूंगा। ओए अपने जोड़ ढीले कर लो। ओए अच्छा भाई ना लगवा के दीजिए, आपके तो जोड़ भी बहुत ज्यादा है। आ जाना मेरे को उधर अंदर चले कमरे में, आप आराम करें शाबाश चल के। एसी लगा के दो हमारी बहन को, एसी लगा के दे दो। मैं एसी बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है और अंदर का माहौल इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है। वाह वाह वाह।
इथे लगाया है सी जी भाभी वो खा ले। वो क्या? वो जो दोपहर में खाते हैं। क्या? वो जो आप अपने घर में खाते हैं। जूते? हाय अल्लाह, आप घर में जूते खाते हैं? इसीलिए आपका मुंह इतना सूजा है। आप क्या बोलेंगे? क्या तो मैंने अभी बोला ही नहीं है। चले वो लगा दिए खा ले। अरे पता नहीं आप मुझे क्या खिलाना चाह रही है, क्या लगा दिया है, मैंने नहीं खाना। हाँ हाँ खाना खाना। नहीं खाना। खाना खा ले। आप इतनी देर से खाना बोलने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैं तो इतनी देर से खाना पकाने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे यही दे दें। दरवाजे पर? और कमरे में? यूं बाहर नहीं खाएंगे? अभी तो आप कह रही थी खाना लगा दिया। हाँ लगा दिया। वो तो मैं बाहर जाके खाना क्यों खाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मैं ले आती हूँ। पैसे? नहीं खाना। हाँ ले आए। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आता। वो कौन? वो जो हमारे कमरे में है अंदर, काशफ। नबील। हाँ हाँ नबील कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा। नबील मैं हूँ माँ जी। लो ये तो कमरे से बाहर आ गया है, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। मुमताज। हाँ जी। नबील नहीं, नैयर ने कमरे से बाहर आना है। अब ये नैयर कौन है? हाजरा का शौहर। हाजरा कौन है? उफ़ यार, वो कमरे में इतनी देर से कर क्या रहे हैं? महमूद साहब चेक करें कहीं उनका मुंह ना फंस गया हो खिड़की में। जाए ना देखें प्लीज। फिक्र ना करो, खिड़की को कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है। हाजरा शौहर है वो तुम्हारा, देखो जाने दो गुस्सा। देखो मेरी बात मान लो ना, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाजरा, हेलो हेलो, क्या हुआ जी? उसने फोन रख दिया। नहीं फोन तो मैंने रखा है। पहले उसने रखा था, तुमने बाद में रखा है। ओहो ये बात है, मिलाएं उसको फोन, इस बार पहले मैं रखूंगी। ओहो मुमताज। हाँ जी। ओ यार 3 मिनट का मैच रह गया था, लाइन भी अभी जाना था। आप कहाँ हैं जर्गीस? मैं यही हूँ, तुम उठना नहीं। मैं तो सोई कब थी। है? भूत भूत। माँ जी क्या हो गया आपको? भूत नहीं है, इनकी शक्ल भूत से मिलती है। नहीं अंकल है। ये बाहर कैसे आ गए? ये बाहर कब आए? ये तो अंदर ही है ना। कमरे से बाहर। अरे नैयर अंकल आप बाहर कैसे आ गए? ओ यार मैंने सोचा तुम सब बाहर बैठे हो, मैं अंदर रहूं बुरा लगता। भाई मुझे ना देखें आप, बहुत डर लग रहा है मुझे। अच्छा कि आप आ गए नैयर भाई। ओ यार मैंने सोचा कि बाहर निकल कर तुमसे गपशप कर ले। हैं खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन आ गया इस वक्त? क्या हुआ महमूद साहब? दुनिया के नहायत घटिया तरीन इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? कसम से मैं तो सो रहा था। इसीलिए तो कह रहा हूँ। क्या मतलब? अरे तुम्हारी माँ बाहर सोफे पे सो रही है और तुम अंदर मजे के साथ सो रहे हो। नहीं खूबसूरत के साथ। एक ही बात है, चलो जाओ अपनी माँ से कहो कि वो आके अंदर सोए। ठीक है। हाँ चलो जाओ, मजे करते हो। माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ?
बेटा तू? मैं तो बहुत पहले हो गया था माँ जी। हा? आप एक काम करें, कमरे में जाके सो जाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, उधर तो पहले इतना बड़ा आदमी सोया हुआ है। ओहो माँ जी, मेरे कमरे में जाके सो जाएं। हाँ मोमो, जाओ ना, जाओ इसके कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा हाँ, जाओ जाओ, तुम आराम करो जाके। हाँ जाओ आराम करो जाके। अच्छा हाँ। बेचारी थक गई होगी सोफे पे। मैंने कहा सो जाओ सो जाओ, तुम भी सो जाओ। है जमीला, जमीला प्लीज, तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे शक्ल को? माँ जी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तुझे उठा रही हूँ। आप मुझे क्यों उठा रही हैं माँ जी? तुझे वो नहीं आती है क्या? वो जो तेरे शोहर को भी नहीं आती है। नींद? नींद नहीं, वो। वो क्या? वही जो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को भी नहीं आती है। माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बहू से ऐसी बातें कर रही है। हाँ हाँ आ रही है शर्म? याद आ गया, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा शोहर बाहर सोफे पे सो रहा है और तू इधर बेड पर। है नबील बाहर क्यों सो रहा है? जा जा जाके पूछ उससे, जा पूछ उसको। अशफाक, अशफाक जल्दी आ जाए, मैंने जगह मल ली है आपके लिए। अशफाक, अशफाक ऐसा कौन आ गया? चलो देखते हैं। उठो तुम, हट जाओ, मुझे देखने दो। आपने फोन किया था? फोन? बड़ी जल्दी आ गया। हमारे बारे में तो मशहूर है कि हम वक्त से पहले आ जाते हैं। कहाँ है चोर? वो ये मेरे शौहर हैं। तो आपने चोर से शादी की है? आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिला था क्या? वैसे बाय द वे बट साहब, इन दोनों में फर्क क्या होता है? चुप है, पहले मुझे चोर ढूंढ लेने दे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे गलत फहमी हुई थी, कोई चोर नहीं है हमारे घर में। नहीं नहीं चोर है बट साहब। क्या? हाँ बट साहब आप अंदर आए, मैं बताता हूँ आपको चोर कहाँ है। कहाँ है? आइए बट साहब, ये है चोर। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ, यही इन्हें निकाल सकते हैं वरना एक हफ्ता सोफे पे सोना पड़ेगा। ओए ये क्या बदतमीजी है, मैं कोई चोर वोर नहीं। अब बट साहब जा मैं तलाशी ले इसकी। हाँ ओए इधर आ, हाथ ऊपर कर रहे चल। हीरोइन? इनकी जेब में कौन सी हीरोइन है? ओ पाजी मेरी जेब जो तेरे प्यारी तुझे हीरोइन काट ली है। हीरोइन बेचता तू? पाजी मैं तो चर्स पीना है, पता नहीं कुछ आ गई। चल थाने, सब पता चल जाएगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।